नमस्कार यूसर साइंस स्टूडियो में से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आप लोगों को जैव विविधता और इसका बचाव कैसे करें और कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं और हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसके बारे में हमारे मध्य में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष नडियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपको जो जानकारी देंगे सर हम, कि जैव विविधता क्या होती है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं और पानी में भी कई किस्म के हमारे माइक्रोब्स हैं या जंतु हैं, तो उनमें सभी में आपस में विविधता पाई जाती है और सभी का आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अगर किसी भी अगर वनस्पति में या जंतुओं में कोई भी एक चीज में का ह्रास हो गया है, वहाँ की जैव विविधता अगर प्रभावित हुई है, तो सभी का एक वहाँ पे जो बैलेंस बना, संतुलन बना होता है, वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको कि हम बोलेंगे कि वहाँ की जैव विविधता प्रभावित हुई है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे मध्य में डॉक्टर नडियाल जी जो बैठे हैं वो आपको समझाएंगे जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं और अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सर, हम हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका हम स्वागत करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे जो श्रोतागण हैं व स्टूडेंट्स हैं उनको जैव विविधता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। थैंक यू डॉक्टर मंजू। बच्चों और साथियों, आज इस सीरीज में जो हम विज्ञान के बारे में आप लोगों को विभिन्न तरह की इंफॉर्मेशन और ज्ञान दे रहे हैं, इस सीरीज में आज का टॉपिक है जैव विविधता। जो हमारी जैव विविधता है वो कितने प्रकार की है, किस तरह की है, हमको उससे क्या फायदे होते हैं, क्यों हमारे लिए वो जरूरी है, या कोई स्पीशीज विलुप्त हो जाती है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और कैसे इसको कंजर्व किया जाए, इस सब के बारे में थोड़ा सा आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये गॉड ने जो ईश्वर की हमें देन है, वो उसमें कई तरह की प्रजातियां हैं और वो प्रजातियां एक दूसरे के काम आती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे के जीवन को सार्थक बनाने में सहभागी होती हैं। अगर हम बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन पे जाएं, तो बायो मीन्स लिविंग एंड डायवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी। तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस मदर अर्थ में, उसमें कितनी तरह की डायवर्सिटी है, कितनी तरह की वेरिएबिलिटी है, वो सब हम इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। वो चाहे माइक्रोब्स हों, चाहे फंजाई हों, चाहे एल्गी हों, चाहे ब्रायोफाइट हों, टेरिडोफाइट हों, जिम्नोस्पर्म्स हों, एंजियोस्पर्म्स हों, या फिर आपका फौना जो है, हमारा जो जीव जंतु हैं उनकी डाइवर्सिटी हो, तो फ्लोरा एंड फौना बोथ वी कवर अंडर दिस। इसमें जो है वो जो स्पीशीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उनको टैक्सोनॉमिस्ट जो है कहते हैं, जो कि नाम बताते हैं ये है। तो टैक्सोनॉमिस्ट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, मॉर्न इट्स लॉस, सेंस ऑफ एस्थेटिक ऑफ लाइफ, सेलिब्रेट द चैलेंजेज ऑफ बीइंग अलाइव। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि बायोडायवर्सिटी में कहा गया है। बायोडायवर्सिटी जो है वो मुख्यतः तीन तरह से हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कितना डाइवर्स है, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो, या मैरीन वाटर इकोसिस्टम हो, माउंटेन इकोसिस्टम हो, रिवर इकोसिस्टम हो, जितने भी इकोसिस्टम्स हमारे यहाँ हैं, हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, उस लेवल की जितनी डाइवर्सिटी होगी, हम उस स्थान को या उस देश को
या वर्ल्ड को उतना ही रिच बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माने। तो पहली जो टाइप है इसकी या जो हम स्टडी करते हैं बायोडायवर्सिटी की, वो इकोसिस्टम लेवल पे करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पे करते हैं। दूसरी जो बायोडायवर्सिटी है वो स्पीसीज लेवल की है, एक ही इकोसिस्टम में कितनी तरह की प्रजातियां हैं। टेक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हर्ब भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, और उसमें जो है वो नेचर के झरने, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, कई तरह की जो लिविंग आइडेंटिटी है, एंटिटी है, वो मिल करके एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बना रही है। तो उसमें जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी, चाहे वो एनिमल्स की हों चाहे वो प्लांट्स की हों, उस इकोसिस्टम को हम उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिच इकोसिस्टम कहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स रिच, richest the ecosystem is। तीसरी तरह की जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम कहते हैं जीन लेवल की बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी एट जीन लेवल। उसमें यह है कि एक ही स्पीसीज में, एक ही प्रजाति में भी बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। आप ह्यूमन बीइंग्स को ही देखिए, हैं तो होमो सैपियन सारा एक ही प्रजाति है। हम लोग इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे थे, उसके बाद हम स्पीसीज बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे थे, अब हम तीसरी जो बायोडायवर्सिटी है, थर्ड बायोडायवर्सिटी इज बायोडायवर्सिटी एट जीन लेवल। मीन्स एक ही स्पीसीज में कई तरह की वैराइटल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है, उसके पास लगभग 22,000 राइस के सैंपल्स हैं। या आपने देखा होगा कि व्हीट की बहुत वैराइटीज हैं, राइस की बहुत वैराइटीज हैं, मक्के की बहुत वैराइटीज हैं, राजमा हमारे पहाड़ों में होता है उसकी देखिए कितनी वैराइटीज हैं। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जैसे हम समझे हम होमो सैपियन हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग है, मानव जितने भी हैं उनका जूलॉजिकल नेम जो है वो होमो सैपियन है। तो सब लोग हालांकि होमो सैपियन ही हैं, लेकिन वैराइटल डिफरेंस आपको साफ नज़र आता है। जैसे एक निग्रो है, वो बिल्कुल अलग उसका स्किन कलर है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। एक जो है वो वाइट मैन है, वाइट रेस है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कलर डिफरेंट है। एक जो हमारी जो मंगोलियन रेस है, जिनकी चपटी आंखें होती हैं, नाक थोड़ा चपटा हुआ होता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट रेस। आर्यंस आर डिफरेंट। हम लोग में इवन इन इंडिया जो साउथ इंडियन लोग हैं वो लुक वाइज भी मॉर्फोलॉजिकली ही आपको डिफरेंट लगेंगे, स्किन कलर्स आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर ऑफ फेस इज डिफरेंट। तो ये जो वैराइटल डिफरेंस है इसको हम स्टडी करते हैं अंडर या जानते हैं जीन लेवल बायोडायवर्सिटी। अब जो बायोडायवर्सिटी है वो उसमें हम क्या क्या स्टडी और करते हैं, उसमें जो है हम सिस्टमेटिक्स, जो किसी भी स्पीसीज का क्या प्रजाति से पहले उसका जेनरा क्या है, फैमिली क्या है, और वो प्लांट या एनिमल किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये उसकी सिस्टमेटिक स्टडी हम करते हैं जेनरा और स्पीसीज लेवल पे, तब वैरायटी लेवल पे जाते हैं। इसमें हम इंटर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज की, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से लिंक रहती है। जैसे जितने भी कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो मांस खाने वाले हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन पे कार्निवोर्स की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। हम सब आज जानते हैं, सुनने भी में भी आया होगा कि
जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी आजकल हाथी जो है खेतों में घुस रहे हैं, और जो टाइगर्स हैं, लेपर्ड हैं, वो आपके मवेशियों पे और ह्यूमन बीइंग्स पे अटैक कर रहे हैं, व्हाई? क्यों? इसलिए कि उनकी जो हैबिटेट है उसमें हम लोग घुस गए हैं, हम उनके एरियाज में हमने इनक्रोच कर लिया है, उनके जिस पे वो डिपेंड करते थे वो उस एरिया में हम चले गए हैं, और उनकी जो फूड है उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कम कर दिया है, इसलिए वो हमारे जो है खेतों में घुस रहे हैं या ह्यूमन बीइंग या हमारे एनिमल्स को अटैक कर रहे हैं। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है स्पेसीज में, इसको भी हम बायोडायवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। हम डाइवर्सिटी और वेरिएशन इसमें स्पेसीज लेवल पे स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी जर्म प्लाज्म है उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। वो वैराइटल लेवल पे जो डाइवर्सिटी हमारी है उसको इम्प्रूवमेंट में किसी भी स्पेसीज की, जैसे आपने ब्रीडिंग में सुना होगा कि जो है ब्रीडिंग की जाती है, जो डिजायर्ड करेक्टर्स हैं उसके जीनोटाइप्स ढूंढ लिए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और फिर उनमें आपस में क्रॉस करके जो दोनों करेक्टर, जैसे ग्रोथ हमको बहुत अच्छी चाहिए और उसके साथ माना हमको ड्राउट टॉलरेंस भी चाहिए, तो हम एक ऐसे जीनोटाइप को ढूंढेंगे जो कि ड्राउट टॉलरेंट है, और दूसरा जीनोटाइप ऐसा ढूंढेंगे जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है, फिर उन दोनों को हाइब्रिडाइज करेंगे, और उसके बाद जो हमारी हाइब्रिड पैदा होगा उसमें दोनों करेक्टर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसका जो है वो ड्राउट में भी उग सकेगा। तो इस तरह की ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं बहुत बड़े, और उसके लिए हमें ब्रॉड जेनेटिक बेस चाहिए होता है, जिसमें कि बड़ी से ज़्यादा डाइवर्सिटी हम उसमें कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, ग्रो करते हैं। फिर स्पीसीज इन्वेंट्रीज बनती हैं, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, ताकि कल कोई स्पीसीज थ्रेटेंड है या कोई जो है एक्सटिंक्ट हो रही है या हो गई है तो उसका कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक इन्वेंट्री स्पीसीज की बनाई जाती है, तो वो इन्वेंट्री भी हम इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं या उसको इसके अंदर रखा जाता है। स्पीसीज लॉस एंड इन्वेजन आज बहुत बड़ी समस्या इन्वेजिव स्पीसीज की आ रही है, और इन्वेजिव स्पीसीज चूँकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, तो वो दूसरे किसी भी इकोसिस्टम में घुस के उसकी जो इंडिजिनस वहाँ की स्पीसीज हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं या उनको पुश ऑफ करती हैं, बाहर धकेल देती हैं, और उससे जो हमारी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो भी हमारी स्पीसीज हैं जो कि जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट फॉर्म में, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उसको भी हम इस जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर इसको भी स्टडी करते हैं। फिर हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स हैं, हम जानते हैं कि हर एनिमल का, हर प्लांट का एक हैबिटेट होता है जहाँ पर वो उगता है, और उसकी क्लाइमेट, उसका जो जलवायु है उसे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, और उस तरह को के जलवायु में वो अपने को जो है ढालता है या वहाँ पर अडेप्ट करके सालों के अडेप्टेशन के बाद उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के लिए वो सुटेबल होता है। अगर किसी वजह से वो हैबिटेट डिस्टर्ब होती है या नुकसान होता है हैबिटेट को, तो स्पीसीज का लॉस होने का या एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है, तो वो चीज़ भी हम इसमें स्टडी करते हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जहाँ तक बात करें, तो जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो चाहे हमारा फूड हो, चाहे फॉडर हो, चाहे हमारा शेल्टर हो, उसमें यूज होने वाली जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, चाहे वो सीप और गोट हैं, चाहे वो आपके मुर्गियां हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए,
तो वो जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, कैसे वो जो है इस तरह से उस रिसोर्स का यूज करें कि वो सस्टेनेबल रहे, लंबे समय तक हमारा साथ दे, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। और बायोडायवर्सिटी असेसमेंट हम करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो भी हम स्टडी इसमें करते हैं। फिर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात आती है, कैसे बायोडायवर्सिटी जो हमारा है, जो भी बायोडायवर्सिटी है, उसको किस तरह से जैव विविधता को का संरक्षण करें और उसको मैनेज करें ताकि वो लंबे समय तक चले, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर नेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन से इसमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे होते हैं, असेसमेंट पे होते हैं, एग्रीमेंट्स जो है इसमें डेवलप होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, पॉलिसीज एंड लॉज हैं, क्योंकि जब भी हम कोई जर्म प्लाज्म एक देश से दूसरे देश को एक्सचेंज करते हैं या बेचते हैं तो उसमें कई तरह की पॉलिसीज और लॉज उसमें आते हैं, वो भी सब हम इसमें देखते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से कोई प्लांट मटेरियल दूसरे देश से यहाँ मंगाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं या यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो उसमें क्वारंटीन के लॉज आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट उसमें जो है वो देना पड़ता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। और ये जो जीन लेवल की डाइवर्सिटी है आज के दिन में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग हर पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना रहे हैं और म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस करके नई नई वैरायटीज जो है वो निकालने की कोशिश हो रही है। तो इस वजह से जो जीन लेवल की डाइवर्सिटी है आज, उसकी बड़ी महत्ता हो रही है। आज आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी और कई जो है वो क्रॉप्स आ रही हैं बाजार में, और उसमें जो है बीटी जीन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वो जो है किसी स्पेसिफिक पेस्ट को मैनेज करने के लिए किया गया है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब बायोडायवर्सिटी के अंदर आ रही हैं, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ब्रीडिंग के लिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए बहुत आज के दिन में महत्वपूर्ण हो रही है या हो है। इसमें जो बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन से ही हम जैसे समझते हैं वो ये है कि भाई मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, हम डीएनए जो है को कैसे मैनिपुलेट करें कि उससे हम अपने कॉमर्शियल इस्तेमाल से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो बना सकें, तो उस लेवल की साइंस आज डेवलप हो रही है और वो सब बायोडायवर्सिटी का एक पार्ट है। ये जो स्पीसीज लेवल की डायवर्सिटी है, इसका मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इकोसिस्टम लेवल, स्पीसीज लेवल और जीन लेवल की बायोडायवर्सिटीज हमारे पास हैं, उनकी जो है कैसे स्टडी की जाए, कैसे उसको प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो कैसे इसको डिफाइन किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए, तो वो जो है सब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे या बात करेंगे। इसमें जो है वो किसी आजकल बात हो रही है रेड डेटा लिस्ट की, कौन सी स्पेसीज खतरे में है, वो रेड लिस्ट जो है बीएसआई ने बनाई है, ऐसे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पे इंस्टीट्यूशन बने हैं, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स पे इंस्टीट्यूशन बने हैं, इंस्टीट्यूट्स बने हैं, माइक्रोब्स के लिए इंस्टीट्यूट्स बने हैं, तो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। और डिमार्केशन ऑफ हॉट स्पॉट कोल्ड स्पॉट की बात हो रही है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बायोडायवर्सिटी रिच एरियाज हैं वो हॉट स्पॉट हमारे कहलाते हैं, इसी तरह से कोल्ड स्पॉट्स हैं जहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। फिर एक नीच होती है हर स्पीसीज की, वो उस एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जाना चाहती या नहीं जाती है, तो वो सब चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। और जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, व्हाई बायोडायवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस,
उसके बारे में हम पहले भी हमने चर्चा की है और हमने आपको बताया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो गुड्स के फॉर्म में और सर्विसेज के फॉर्म में हमको बहुत बहुत जो है वो उपयोगी होती है, लाभदायी होती है। जैसे मैं आपको गिना दूं कि जो गुड्स हैं उसमें फ्यूल आ जाता है, पाउडर आ जाता है, फूड आ जाता है, टिम्बर आ जाता है, और फ्रूट्स आ जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं, रिजिन्स आ जाते हैं, डाइज आ जाती हैं, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स आ जाते हैं, रबड़ आ जाता है, और बहुत सारे आपके आइटम्स हैं जो कि हमको डायरेक्ट पौधों से मिलते हैं। इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे कल्चरल सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जिसमें कि सॉयल कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, और एस्थेटिक वैल्यू है, वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस है, डिजीज एंड पेस्ट का कंट्रोल है, डिटॉक्सिकेशन है। आजकल देखिए आपका जो बैक्टीरिया है उसको डिटॉक्सिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारी पॉलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन में जो है बायोडाइवर्सिटी का बड़ा रोल है, स्टेबलाइजेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में जितना भी आज रोल है वेजिटेशन का वो बड़ा भारी है, क्योंकि जितना भी इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग फॉरेस्ट की हुई है, हमारे फॉरेस्ट एरिया कम हुए, उससे सॉयल इरोजन बहुत फास्ट हुआ है, वाटर का जो है कंजर्वेशन बहुत लो हो गया है, इससे जो है क्लाइमेट, जो माइक्रो क्लाइमेट है और जो ओवरऑल क्लाइमेट है उस पर जो है फर्क पड़ा है, हमारी वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, और जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो इससे बड़े प्रभावित होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी में हमारा बायोडाइवर्सिटी का बड़ा भारी रोल है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी आने वाले समय में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना फास्ट हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी हाईवेज हैं जहाँ टू लाइन्स थी वहाँ फोर लेन्स जो है हाईवेज बन रहे हैं, तो कितना सारी जमीन जो है वो हाईवेज में, रेलवे ट्रैक्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हाउसिंग में, डैम कंस्ट्रक्शन में और तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जा रही है। और जो क्रॉप कल्टीवेशन है, चूंकि एरिया ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज, दैट इज लिमिटेड, तो अब क्या हो रहा है कि या तो हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच कर रहे हैं या फिर जो है वो हमारी जो लैंड है, जो एरिया है उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि आज थक गई है हमारी सॉयल, वो प्रोड्यूस करने के ही काबिल नहीं है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिएंट ना दो, एक्स्ट्रा वाटर ना दो, तो फॉरेस्ट की जो सॉयल हेल्थ हमारी है इन जनरल वो बड़ी पुअर हो गई है। तो वो जो चीज़ अब आने वाली जो हमारी है समस्याएं, उसको उसमें जो है इसका बायोडाइवर्सिटी का बड़ा रोल है, माइक्रोब्स का बड़ा रोल है, और फूड सिक्योरिटी में हमें बायोडाइवर्सिटी की बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि फूड ही हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। इसलिए इससे जो हमारी मदर अर्थ है इसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, इसको लिविंग बीइंग्स के लिए सुइटेबल अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से मेंटेन करके रखें, अच्छे से रखें। आज हम पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो यही है कि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी का हमारा उपयोग क्या है और कैसे, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है या हमारे साथ है। अब जो बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात आ रही है कि भाई बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे होती है या हमारी कोई स्पीसीज विलुप्त क्यों होती है या रेड डेटा बुक में क्यों आ जाती है या उसकी पॉपुलेशन कम क्यों हो जाती है, उसके क्या मुख्य कारण है। तो उसके जो मुख्य कारण हैं वो छह मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी भी प्रजाति का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि हर प्रजाति
का की एक लिमिटेशन है रिप्रोड्यूस करने की। अगर हम किसी भी प्रजाति का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो वो जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो सकती है, या वो थ्रेटेन हो सकती है, या वो विलुप्त भी हो सकती है। इसमें आप ही देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे थुनेर है, टेक्सास बैकाटा का जो पेड़ था, उसमें टैक्सोल जो है वो मेडिसिन निकलती है उसकी बार्क से, जो कि कैंसर पेशेंट कैंसर के लिए उसकी दवाइयाँ बनती। तो जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने जो है ओवरनाइट हजारों पेड़ों की छाले निकल गई, वो गड्ढल हो गए और हिमालय से हमारे कई हजारों हजार पेड़ जो हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम सारे जो है लोगों ने छाल निकाल निकाल के वो स्मगल हो गई। थैंक गॉड कि अब टैक्सोल जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होने लग गया है, इससे जो है वो अब जो भी बचे हुए पेड़ हैं वो बचे हुए, क्योंकि एक पेड़ को बनने में कम से कम 50 से 100 साल लगते हैं और आप उसको 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर काट सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। दूसरे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको कि जिनकी खासतर रूप से इस्तेमाल होती है, वो मेडिसिनल प्लांट्स जो है बहुत जल्दी वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए, क्योंकि जब भी हम प्रकृति से नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मेडिसिनल प्लांट्स को, पर्टिकुलरली हमारे जो एल्पाइन जोन हैं, जो हाई एलिवेशन हैं, जो पॉश्चर लैंड्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस कॉस्टली मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनका जब हम रूट जिसकी डिग करते हैं, क्योंकि जब रूट आपने उखाड़ दी तो वो प्लांट तो ख़त्म ही हो गया, तो रूट जिनके इस्तेमाल होती है मेडिसिन में उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और इससे कई जो है मैं एक्सटिंक्ट तो नहीं कहूँगा पर बहुत पॉपुलेशन जो है ड्रास्टिकली डाउन हो गई है उनकी, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम उसको कल्टीवेशन में लाएं, उसका कल्टीवेशन प्रमोट करें, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी स्पीसीज का कंट्रोल हो सके या कम हो सके, ये इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अभी बात कर रहे थे कि जहाँ 2 लेन हाईवे थी वहाँ 4 लेन बन गई, जहाँ 4 लेन थी वहाँ 6 लेन बन गई, तो अब हम सॉयल को फॉरेस्ट एरिया से कवर जा रही हैं रोड्स, वो फॉरेस्ट एरिया काट के जो है रोड्स बन रही हैं, फॉरेस्ट एरिया काट के या हमारी कल्टीवेटेड लैंड को कवर करके जो है वो रेलवे लाइन ट्रैक्स बन रहे हैं, जहाँ नैरो गेज थी वहाँ ब्रॉड गेज बन रही है, जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ डबल लाइन बन रही है, तो अल्टीमेटली हम अपनी लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं और उसको फिर हार्ड पैन में डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर कि पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो वो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उससे जो है बायोडायवर्सिटी पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो बायोडायवर्सिटी जो पेड़ पौधे उगने की जगह थी वहाँ पे तो हमने कंक्रीट इस्टेब्लिश कर दिया, या रेलवे लाइन बना दी, या डैम बना दिया, या इंडस्ट्री बना दी, तो वो दूसरा जो है सबसे बड़ा फैक्टर बायोडायवर्सिटी लॉसेस का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तीसरा फैक्टर है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो जहाँ जो पशु पक्षी या प्राणी एनिमल वाइल्ड एनिमल्स रह रहे थे या जो पेड़ पौधे हो रहे थे, वहाँ हमारा इंक्रोचमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इससे उनकी जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्बेंस से, इस हैबिटेट डिस्टर्बेंस से पेड़ पौधे और जो हमारे जंगली जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है कम हुई है और उसमें इनबैलेंस आ गया है। जैसे कि आप समझें, माना हाथियों के, अभी आप जब देहरादून से हरिद्वार जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मोतीचूर के आसपास वो पिलर्स बन रहे हैं, अब ऊपर से फ्लाईओवर पूरी रोड पे बन रहा है, और वो इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत सारे हाथी जो हैं वो ट्रैफिक की वजह से उनका जो हैबिटेट था, जो मूवमेंट था, वो स्टक हो गया, रुक गया, क्योंकि वो पार ही नहीं कर पा रहे रोड, तब तक तो 50 गाड़ियां आ जा रही हैं, या फिर ट्रक या किसी वजह से वो हिट होके जो है मर जा रहे हैं। आप रोज अखबारों में देखते होंगे या पढ़ते होंगे
कि इतने हाथी जो है रेलवे ट्रैक पे रेल के एक्सीडेंट से ट्रेन से मर गए। इसी तरह से और एनिमल्स हैं जो टक्कर होके जो है वो मर जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो जो फ्लाई ओवर है उससे क्या होगा कि गाड़ियां ऊपर से चलेंगी, नीचे जो है एलिफेंट या एनिमल कॉरिडोर बन जाएगा, उससे उनका मूवमेंट फ्री हो जाएगा। या कई बार हम बड़ी बड़ी केनाल्स बना देते हैं और वो केनाल्स को पार कैसे करें, तो उसमें जो है वो ब्रिजेस कई जगह बनाने पड़ेंगे ताकि एनिमल्स उसको क्रॉस कर सकें और वो अपने हैबिटेट जो कि हमने श्रिंक कर दी है, कम कर दी है, उसका जो है वो उपयोग कर सकें। जैसा राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट को जोड़ने की बात हो रही, एनिमल मूवमेंट उसमें होता रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी का हमारा ये वाला पार्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो फायर हो, चाहे फ्लड हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड एक्टिविटीज हो, हम उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं उसमें घुस गए हैं, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए वो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो स्पीशीज उस हैबिटेट में ग्रो हो रही थी, आराम से रह रही थी, वो डिस्टर्ब हो गया है, इससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो घट गई है और कम हो गई है। चौथा जो फैक्टर बायोडायवर्सिटी लॉस का है वो एक्जॉटिक स्पीशीज का इंट्रोडक्शन है। हम इंटेंशनली या एक्सीडेंटल एक्जॉटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। कई एक्जॉटिक स्पीशीज हमारी ऐसी हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा करती हैं और हमें उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉरेस्टी के, आपको एग्रो फॉरेस्टी के दो एग्जांपल देता हूँ। अभी जो है हमारे देश में आप जगह जगह देखते होंगे पॉपुलर और एकेलिप्टस, ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई हैं। ऐसे ही एकेशियाज और केशियाज और बहुत सारी ट्रीज की स्पीशीज यहाँ पे लाई गई हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका एकलिप्टस एंड पॉपुलर छाया हुआ है। आज उससे किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, प्लस 70% जो हमारी टिम्बर की रिक्वायरमेंट है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से मीट आउट हो गई है। तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज हम लाते हैं, ये जो है बड़ा इकोनॉमी में किसानों की है, आम आदमियों की है, इंडस्ट्री की है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करती हैं और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। परंतु कई बार कई एक्जॉटिक स्पीसीज जो है हमारी वो इनवेजिव हो जाती हैं, या वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा फास्टली जो है इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, आपका पार्थिनियम है, इपिटोरियम है, लेंटाना है, वाटर हाइसिन है, बहुत सारी ऐसी इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि बड़ी हमको परेशान कर रही हैं। उन्होंने पूरा इकोसिस्टम ही हमारा खराब कर दिया है, और उससे जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ ये एग्रेसिव जो स्पीसीज वीड्स हैं, ये जो एग्जॉटिक वीड्स हैं, ये फैल जाती हैं। अभी आपने सुना होगा जो ये आपका वो है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो हमारा सेमी एरिड एरिया है, मस्कट जिसको हम कहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो राजस्थान से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके सेंट्रल इंडिया दिल्ली तक पूरा कवर कर दिया उसने। और आप ये देख रहे हैं कि हालांकि उसने डेजर्ट को ग्रीन कर दिया है, और कई जो हमारे किसान हैं या जो गरीब लोग हैं गांवों में, वो फ्यूल वुड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैमेल इसको बहुत अच्छे से खाता है, इसकी पॉड्स बहुत न्यूट्रिटिव हैं, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट है, सॉयल की भी जो है वो फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गुजरात के कई एरियाज में इनको, इसको प्रोसोपिस जूली फ्लोरा को लोगों ने वीड डिक्लेयर कर दिया है, इनवेसिव स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया है। ये भी स्पीसीज अफ्रीकन ओरिजिन की है, बाहर से आई है, लेकिन बहुत सक्सेसफुली हमारे
डेजर्ट्स को और हमारे सेमी एरिड एरियाज को कवर कर लिया, तो ये भी और अन्य स्पीशीज के लिए खतरनाक हो सकती है, हो रही है। लेकिन इसका अपना खैर प्रोसोपिस का अपना इम्पोर्टेंस है, जो खासतर दिल्ली के चारों ओर आपने देखा होगा, भट्टी माइन एरिया जो बिल्कुल ड्राई और जिसमें कुछ भी पौधे नहीं थे, वहाँ पे आज इसका जंगल जो है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा का जंगल आपको मस्कट का मिलेगा। तो ये चौथा जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज है, ये बड़ा भारी फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। पांचवा जो है वो लॉस ऑफ एसोसिएटेड स्पीसीज है। देखिए, अगर दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे से, या इस तरह से कई कम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसको बच्चों आप ऐसा समझ सकते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे जाइंट पांडा है और बैम्बू है, ये जो चाइना का जो आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, चाइना का जो ये एनिमल है जाइंट पांडा, ये बांस की पत्तियों पर निर्भर करता है, बांस की पत्तियां ही खाता है। अगर किसी वजह से बांस खत्म होता है तो ये इस एनिमल की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि चाइना में के एक प्रोविनेंस में पूरे का पूरा बैम्बू में ग्रेगेरियस फ्लावरिंग हो गई और वो पूरा जंगल बांस का सूख गया। उसके बाद चूंकि बांस फ्लावरिंग के बाद सीड सेटिंग के बाद सूख जाता है क्योंकि ये ग्रास स्पेसीज है, तो वहां के जाइंट पांडास के लिए देयर वॉज नो फूड, तो वो जाइंट पांडास का सर्वाइवल एक प्रॉब्लम आ गया। वो भाई भूखे कितने दिन वो जाइंट पांडा रह सकेंगे, तो इसके लिए फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने स्पेशल अपना एक प्रोग्राम चलाया, उसमें वो पांडे जो है वो पांडा सब कैप्चर करके कैप्टिविटी में रखे, दूसरे प्रोग्राम से जो है जहाँ पर बैम्बू अवेलेबल था वो फीड उनके लिए मंगाया गया और उनको किसी वजह से जिंदा रखा गया जब तक कि वो फॉरेस्ट एरिया फिर से रिजुमिनेट करके उसमें बैम्बू की प्लांटेशन नहीं आ गई या बैम्बू के प्लांट्स नहीं ग्रो हो गए। तो इस तरह से ऐसे कई स्पीसीज हैं जो एक दूसरे पे आधारित है, अगर एक स्पीसीज खत्म होती है तो दूसरी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर आप जंगल से हिरन और जो हमारे रैबिट्स हैं खरगोश हैं वो खत्म कर दें तो टाइगर्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो खाएंगे क्या, फूड इज नेसेसरी आइटम फॉर सर्वाइवल, अगर फूड नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो ऐसे म्यूचुअल जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है स्पीसीज में, अगर एक स्पीसीज किसी वजह से खराब होती है या खत्म होती है या उसकी पॉपुलेशन कम होती है तो दूसरी की अपने आप ही खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। छठा जो लास्ट मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। हमारे यहाँ जो नॉर्थ हाईवेज है जहाँ टू लाइन्स थी वहाँ फोर लेन्स जो है हाईवेज बन रहे हैं, तो कितना सारी जमीन जो है वो हाईवेज में, रेलवे ट्रैक्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हाउसिंग में, डैम कंस्ट्रक्शन में और तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में जा रही है। और जो क्रॉप कल्टीवेशन है, चूंकि एरिया ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज, दैट इज लिमिटेड, तो अब क्या हो रहा है कि या तो हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच कर रहे हैं या फिर जो है वो हमारी जो लैंड है, जो एरिया है उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि आज थक गई है हमारी सॉयल, वो प्रोड्यूस करने के ही काबिल नहीं है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिएंट ना दो, एक्स्ट्रा वाटर ना दो, तो फॉरेस्ट की जो सॉयल हेल्थ हमारी है इन जनरल वो बड़ी पुअर हो गई है। तो वो जो चीज़ अब आने वाली जो हमारी है समस्याएं उसको, उसमें जो है इसका बायोडाइवर्सिटी का बड़ा रोल है, माइक्रोब्स का बड़ा रोल है और फूड सिक्योरिटी में हमें बायोडाइवर्सिटी की बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि फूड ही हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। इसलिए इस जो हमारी मदर अर्थ है इसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, इसको लिविंग बीइंग्स के लिए सुइटेबल अच्छा बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से मेंटेन करके रखें, अच्छे से रखें। आज हम पहला जो हमारा
एस्पेक्ट है वो यही है कि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी का हमारा उपयोग क्या है और कैसे कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है या हमारे साथ है। अब जो बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात आ रही है कि भाई बायोडाइवर्सिटी खत्म कैसे होती है या हमारी कोई स्पीसीज विलुप्त क्यों होती है या रेड डेटा बुक में क्यों आ जाती है या उसकी पॉपुलेशन कम क्यों हो जाती है, उसके क्या मुख्य कारण है। तो उसके जो मुख्य कारण है वो छह मुख्य कारण है। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी भी प्रजाति का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि हर प्रजाति का की एक लिमिटेशन है रिप्रोड्यूस करने की। अगर हम किसी भी प्रजाति का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो वो जो है उसकी पॉपुलेशन कम हो सकती है या वो थ्रेटेंड हो सकती है या वो विलुप्त भी हो सकती है। इसमें आप ही देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे थुनेर है, टेक्सास बैकाटा का जो पेड़ था, उसमें टैक्सोल जो है वो मेडिसिन निकलती है उसकी बार्क से, जो कि कैंसर पेशेंट कैंसर के लिए उसकी दवाइयाँ बनती। तो जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने जो है ओवरनाइट हजारों पेड़ों की छाले निकल गई, वो गड्ढल हो गए और हिमालय से हमारे कई हजारों हजार पेड़ जो हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम सारे जो है लोगों ने छाल निकाल निकाल के वो स्मगल हो गई। थैंक गॉड कि अब टैक्सोल जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होने लग गया है, इससे जो है वो अब जो भी बचे हुए पेड़ हैं वो बचे हुए, क्योंकि एक पेड़ को बनने में कम से कम 50 से 100 साल लगते हैं और आप उसको 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर काट सकते हो, खत्म कर सकते हो। दूसरे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको कि जिनकी खासतर रूट्स इस्तेमाल होती है, वो मेडिसिनल प्लांट्स जो है बहुत जल्दी वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए, क्योंकि जब भी हम प्रकृति से नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मेडिसिनल प्लांट्स को, पर्टिकुलरली हमारे जो एल्पाइन जोन हैं, जो हाई एलिवेशन हैं, जो पॉस्चर लैंड्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस कॉस्टली मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनका जब हम रूट जिसकी डिग करते हैं, क्योंकि जब रूट आपने उखाड़ दी तो वो प्लांट तो ख़त्म ही हो गया। तो रूट जिनके इस्तेमाल होती है मेडिसिन में, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और इससे कई जो है, मैं एक्सटिंक्ट तो नहीं कहूँगा, पर बहुत पॉपुलेशन जो है ड्रेस्टिकली डाउन हो गई है उनकी, और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम उसको कल्टीवेशन में लाएं, उसका कल्टीवेशन प्रमोट करें, ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी स्पीसीज का कंट्रोल हो सके या कम हो सके, ये इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम अभी बात कर रहे थे कि जहाँ 2 लेन हाईवे थी वहाँ 4 लेन बन गई, जहाँ 4 लेन थी वहाँ 6 लेन बन गई। तो अब हम सॉयल को फॉरेस्ट एरिया से कवर जा रही हैं रोड्स, वो फॉरेस्ट एरिया काट के जो है रोड्स बन रही हैं, फॉरेस्ट एरिया काट के या हमारी कल्टिवेटेड लैंड को कवर करके जो है वो रेलवे लाइन ट्रैक्स बन रहे हैं, जहाँ नैरो गेज थी वहाँ ब्रॉड गेज बन रही है, जहाँ सिंगल लाइन थी वहाँ डबल लाइन बन रही है। तो अल्टीमेटली हम अपनी लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं और उसको फिर हार्ड पैन में डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर कि पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो वो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उससे जो है बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी जो पेड़ पौधे उगने की जगह थी वहाँ पे तो हमने कंक्रीट इस्टेब्लिश कर दिया या रेलवे लाइन बना दी या डैम बना दिया या इंडस्ट्री बना दी। तो वो दूसरा जो है सबसे बड़ा फैक्टर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तीसरा फैक्टर है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो जहाँ जो पशु पक्षी या प्राणी एनिमल वाइल्ड एनिमल्स रह रहे थे या जो पेड़ पौधे हो रहे थे, वहाँ हमारा इंक्रोचमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, इससे उनकी जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्बेंस से, इस हैबिटेट डिस्टर्बेंस से पेड़ पौधे
और जो हमारे जंगली जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है कम हुई है और उसमें इनबैलेंस आ गया है। जैसे कि आप समझें, माना हाथियों के अभी आप जब देहरादून से हरिद्वार जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मोतीचूर के आसपास वो पिलर्स बन रहे हैं, अब ऊपर से फ्लाईओवर पूरी रोड पे बन रहा है और वो इसलिए बनाया जा रहा है कि बहुत सारे हाथी जो हैं वो ट्रैफिक की वजह से उनका जो हैबिटेट था, जो मूवमेंट था, वो स्टक हो गया, रुक गया, क्योंकि वो पार ही नहीं कर पा रहे रोड। तब तक तो 50 गाड़ियां आ जा रही हैं या फिर ट्रक या किसी वजह से वो हिट होके जो है मर जा रहे हैं। आप रोज अखबारों में देखते होंगे या पढ़ते होंगे कि इतने हाथी जो है रेलवे ट्रैक पे रेल के एक्सीडेंट से, ट्रेन से मर गए। इसी तरह से और एनिमल्स हैं जो टक्कर होकर जो है वो मर जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो जो फ्लाई ओवर है उससे क्या होगा कि गाड़ियां ऊपर से चलेंगी, नीचे जो है एलिफेंट या एनिमल कॉरिडोर बन जाएगा, उससे उनका मूवमेंट फ्री हो जाएगा। या कई बार हम बड़ी बड़ी केनाल्स बना देते हैं और वो केनाल्स को पार कैसे करें, तो उसमें जो है वो ब्रिजेस कई जगह बनाने पड़ेंगे ताकि एनिमल्स उसको क्रॉस कर सकें और वो अपने हैबिटेट जो कि हमने श्रिंक कर दी हैं, कम कर दी हैं, उसका जो है वो उपयोग कर सकें। जैसा राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट को जोड़ने की बात हो रही, एनिमल मूवमेंट उसमें होता रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी का हमारा ये वाला पार्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो फायर हो, चाहे फ्लड हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड एक्टिविटीज हो, हम उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं उसमें घुस गए हैं, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। इसलिए वो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो स्पीसीज उस हैबिटेट में ग्रो हो रही थी, आराम से रह रही थी, वो डिस्टर्ब हो गया है, इससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो घट गई है और कम हो गई है। चौथा जो फैक्टर बायोडायवर्सिटी लॉस का है वो एक्जॉटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन है। हम इंटेंशनली या एक्सीडेंटल एक्जॉटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। कई एक्जॉटिक स्पीसीज हमारी ऐसी हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा रोल अदा करती हैं और हमें उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉरेस्टी के, आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के दो एग्जांपल देता हूँ। अभी जो है हमारे देश में आप जगह जगह देखते होंगे पॉपुलर और एकलिप्टस, ये दो ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई हैं। ऐसे ही एकेशियाज और केशियाज और बहुत सारी ट्रीज की स्पीसीज यहाँ पे लाई गई हैं और आप देख रहे हैं कि पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका एकलिप्टस एंड पॉपुलर छाया हुआ है। आज उससे किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिलता है, प्लस 70% जो हमारी टिम्बर की रिक्वायरमेंट है वो एग्रो फॉरेस्ट्री से मीट आउट होगी। तो ये जो इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज हम लाते हैं ये जो है बड़ा इकोनॉमी में किसानों की है, आम आदमियों की है, इंडस्ट्री की है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करती हैं और हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। परंतु कई बार कई एक्जॉटिक स्पीसीज जो हैं हमारी वो इन्वेजिव हो जाती हैं या वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा फास्टली जो है इंक्रोचमेंट करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपका पार्थिनियम है, इपिटोरियम है, लेंटाना है, वाटर आइसिन है, बहुत सारी ऐसी इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कि बड़ी हमको परेशान कर रही हैं। उन्होंने पूरा इकोसिस्टम ही हमारा ख़राब कर दिया है और उससे जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ ये एग्रेसिव जो स्पीसीज वीड्स हैं, ये जो एग्जॉटिक वीड्स हैं, ये फैल जाती हैं। अभी आपने सुना होगा जो ये आपका वो है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो हमारा सेमी एरिड एरिया है, मस्कट जिसको हम कहते हैं हरियाणा पंजाब में, वो राजस्थान से लेके गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके सेंट्रल इंडिया दिल्ली तक
पूरा कवर कर दिया उसने, और आप ये देख रहे हैं कि हालांकि उसने डेजर्ट को ग्रीन कर दिया है, और कई जो हमारे किसान हैं या जो गरीब लोग हैं गांवों में, वो फ्यूल वुड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैमेल इसको बहुत अच्छे से खाता है, इसकी पॉड्स बहुत न्यूट्रिटिव हैं, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट है, सॉयल की भी जो है वो फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गुजरात के कई एरियाज में इनको, इसको प्रोसोफिस जुलिफ्लोरा को लोगों ने वीट डिक्लेयर कर दिया है, इन्वेसिव स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया। ये भी स्पीसीज अफ्रीकन ओरिजिन की है, बाहर से आई है, लेकिन बहुत सक्सेसफुली हमारे डेजर्ट्स को और हमारे सेमी एरिड एरियाज को कवर कर रही है। तो ये भी और अन्य स्पीसीज के लिए खतरनाक हो सकती है, हो रही है, लेकिन इसका अपना खैर प्रोसोफिस का अपना इम्पोर्टेंस है, जो खासतर दिल्ली के चारों ओर आपने देखा होगा, भट्टी माइन एरिया जो बिल्कुल ड्राई और जिसमें कुछ भी पौधे नहीं थे, वहाँ पे आज इसका जंगल जो है प्रोसोफिस जुलिफ्लोरा का जंगल आपको मस्कट का मिलेगा। तो ये चौथा जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज है, ये बड़ा भारी फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। पांचवा जो है वो लॉस ऑफ एसोसिएट स्पीसीज है। देखिए, अगर दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे से, या इस तरह से कई कम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसको आप बच्चों आप ऐसा समझ सकते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे जाइंट पांडा है और बैम्बू है, ये जो चाइना का जो आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, चाइना का जो ये एनिमल है जाइंट पांडा, ये बांस की पत्तियों पर निर्भर करता है, बांस की पत्तियां ही खाता है। अगर किसी वजह से बांस खत्म होता है तो ये इस एनिमल की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि चाइना में के एक प्रोविनेंस में पूरे का पूरा बैम्बू में ग्रेगेरियस फ्लावरिंग हो गई और वो पूरा जंगल बांस का सूख गया। उसके बाद चूंकि बांस फ्लावरिंग के बाद सीड सेटिंग के बाद सूख जाता है क्योंकि ये ग्रास स्पीसीज है, तो वहां के जाइंट पांडास के लिए देयर वाज नो फूड, तो वो जाइंट पांडास का सर्वाइवल एक प्रॉब्लम आ गया, वो भाई भूखे कितने दिन वो जाइंट पांडा रह सकेंगे। तो इसके लिए फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने स्पेशल अपना एक प्रोग्राम चलाया, उसमें वो पांडे जो है वो पांडा सब कैप्चर करके कैप्टिविटी में रखे, दूसरे प्रोग्राम से जो है जहाँ पर बैम्बू अवेलेबल था वो फीड उनके लिए मंगाया गया और उनको किसी वजह से जिंदा रखा गया जब तक कि वो फॉरेस्ट एरिया फिर से रिजुमिनेट करके उसमें बैम्बू की प्लांटेशन नहीं आ गई या बैम्बू के प्लांट्स नहीं ग्रो हो गए। तो इस तरह से ऐसे कई स्पीसीज हैं जो एक दूसरे पे आधारित है, अगर एक स्पीसीज खत्म होती है तो दूसरी अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर आप जंगल से हिरन और जो हमारे रैबिट्स हैं खरगोश हैं वो खत्म कर दें तो टाइगर्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो खाएंगे क्या, फूड इज नेसेसरी आइटम फॉर सर्वाइवल, अगर फूड नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो ऐसे म्यूचुअल जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है स्पीसीज में, अगर एक स्पीसीज किसी वजह से खराब होती है या खत्म होती है या उसकी पॉपुलेशन कम होती है तो दूसरी की अपने आप ही खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। छठा जो लास्ट मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, जो आपका आसाम है, वे आपका ये है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बड़ा भारी जो है वहाँ का कल्चर है। तो उसमें जो ट्राइब्स हैं वो जंगल में एक पर्टिकुलर एरिया को साफ करके उसको काट के स्लैश एंड बर्न उसको कहते हैं, वो काट के उसको जला देते हैं और उस एरिया को ओपन करके उसमें खेती करते हैं, और फिर तीन चार पाँच साल बाद जब वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह भी वो फॉरेस्ट को काट के और वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ,
उससे भी हमारी बायोडायवर्सिटी को बड़ा लॉस होता है, क्योंकि जहां पर फॉरेस्ट 100 सालों से या 200 सालों से या 1000 सालों से इस्टेब्लिश है, वहां पर कई स्पीशीज हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो फंगस है, चाहे वो छोटे हर्बेशियस प्लांट्स हैं, या हमारी बड़ी ट्रीज की स्पीशीज हैं, आपने उसको वहां पर से पूरा रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो उससे बायोडायवर्सिटी लॉसेस हो जाते हैं। तो ये 6 मेजर जो है वो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ आवर बायोडायवर्सिटी। अब थोड़ा सा हम अपने ग्लोबल कंसर्न जो बायोडायवर्सिटी के हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें यह है कि भाई लगभग वी हैव कट अराउंड 1/3 ऑफ आवर फॉरेस्ट विदाउट रिप्लेसिंग देम। मतलब अगर हम फॉरेस्ट काटते हैं तो उसको रिप्लेस भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी हैव लॉस्ट अबाउट 1/4 ऑफ टॉप सॉयल बिकॉज ऑफ सेलिनेशन, डिजर्टिफिकेशन, अर्बन स्प्रावल, इरोजन एंड अदर फैक्टर्स। सो 1/4 ऑफ द टॉप सॉयल वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। वी आर पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, वी आर पॉल्यूटिंग अवर सॉयल, वाटर एंड एयर विथ थाउजेंड्स ऑफ टॉक्सिन्स बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। टू मैनी एफ्लुएंट्स वी आर पंपिंग टू अवर सॉयल, वी आर पंपिंग टू अवर वाटर, वी आर पंपिंग टू अवर एयर। सो एयर, सॉयल एंड वाटर, वो थ्री दीज कम्युनिटीज दे आर बैडली पॉल्यूटेड। वी आर यूजिंग एक्सेसिव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सच एज फॉसिल फ्यूल्स। टूडे यू कैन सी दैट एवरीवेयर वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल इन आवर व्हीकल्स। इट मे बी कार, इट मे बी बाइक, इट मे बी बस, इट मे बी ट्रेन, इट मे बी एरोप्लेन। सो वट एवर, जस्ट टेक फॉर एग्जाम्पल, टू रन अ बोइंग एरोप्लेन फॉर 1 आवर इट रिक्वायर मोर देन 9,000 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो पर आवर इट इज कंज्यूमिंग 9,000 लीटर ऑफ गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल। सो जस्ट इमेजिन इफ एरोप्लेन मूव्स फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू से न्यूयॉर्क JFK, it took around 14-15 hours. So how much fossil fuel one single Boeing or the plane is consuming in one day? And there are hundreds and thousands of planes moving everywhere all around the world. So just imagine how much fossil fuel is consumed just by aviation industry. Likewise, everybody is now running with a car. There are so many car industry, they are producing new model every day and they are coming to the market, and every car is run by fossil fuel. So a lot of fossil fuel is burnt, which is a non-renewable source of energy, means you cannot compensate. It is not replenishable. It cannot be replaced because it is a limited resource. If you consume one fine morning, you will see that there is no petrol available. So fossil fuel is made after thousands of years. It is not just like that today you plant a tree and after 10 years you will get a full grown tree. तो इसमें ये जो है जो fossil fuel है वो non renewable resource है, उसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए फिर हमें ऑल्टरनेट सोर्स डेवलप करने चाहिए, चाहे वो नॉन, जिनको कि हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं, जैसे हमारे बायोमास है, दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारा विंड है, हमारा सोलर है, वाटर है, ये जो है हमारी जो ग्रीन एनर्जी है, इनका इस्तेमाल हमको अधिक से अधिक करना चाहिए। वी आर यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज फ्रेश वाटर फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न, क्योंकि जो वाटर का यूटिलाइजेशन है
वो बहुत हम ज्यादा कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है. बाकी वैसे वाटर तो इट इज 2/3 ऑफ आवर इंटायर ग्लोब इज वाटर, जिसमें कि मोस्टली सी वाटर है विच वी कैनॉट कंज्यूम. वो साल्टी वाटर है. जो फ्रेश वाटर है उसमें भी 1-2% इज फॉर डोमेस्टिक यूज. तो उसको हमें जो है बहुत इकोनॉमिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम उसका अधिक से अधिक यूज कर सकें, क्योंकि इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और जो डोमेस्टिक हमारी एक्टिविटीज हैं उनका वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको जो है वाटर इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी. और आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से हो गया है कि एक आदमी जो है उसको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट के लिए और ड्रिंक्स पीने के लिए काफ़ी अमाउंट में पानी चाहिए. तो उस पानी को रीयूज कैसे करें, उस पानी का इकोनॉमी कैसे करें. आज आप देखते हैं कि जो हम इरिगेशन के लिए माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है. उस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लिए हम ट्यूबवेल धड़ाधड़ खोद रहे हैं, ज़मीन से पानी खींच रहे हैं, तो वाटर टेबल हमारा नीचे जा रहा है. वाटर टेबल जब नीचे से नीचे चला जाएगा तो फिर पानी रिसोर्स क्रंच हो जाएगा. पानी को ऊपर खींचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए. तो ये जो हमारे कंसर्न हैं वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब 6 बिलियन को पार कर गई है. वो उसी हिसाब से फूड का है, शेल्टर का है, क्लोथिंग का है, उसी हिसाब से जो है वो बढ़ रहा है. रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इंडस्ट्री ज़्यादा आएंगी. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी कंसर्न की हैं, जो के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली पुअर. दे डोंट हैव इनफ फूड टू ईट. सो 1.3 बिलियन इज अ बिग पॉपुलेशन विच इज एक्सट्रीमली पुअर. सो दैट इज आवर कंसर्न. ग्लोबल वार्मिंग एंड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट इज नाउ कमिंग अप. इट इज अ बर्निंग टॉपिक एवरीवेयर. That our climate is changing very drastically, and there is a problem of global warming. That is creating so many associated problems, and today everybody is aware about this world, global warming and climate change. Depletion of ozone layer is another very important factor. And we all know that our Mother Earth is covered by a layer, by a blanket which we call ozone layer, and that ozone layer protect or filter the UV radiation from the sun, which are short wavelength rays, but they have very high energy. So if the ozone layer is depleted, or you might have heard about the holes in the ozone layer, and because of those holes the UV radiation is coming directly to the earth, and that with the result there is warming, and the rate of warming is faster, because more the UV radiation will come to the Mother Earth, the more the energy will be there, the more heat will be there, and that will lead to global warming. So protection of our ozone layer is a must, and we should think on that. And this ozone layer is depleted by these chlorofluorocarbon gases, greenhouse gases. That is one of the greenhouse gases. So that has to be controlled. We are driving the world species of living beings to extinction at the rate of 100 times more than the natural rate at the end of 21st century. It is expected that 2/3 of species may be vanished in future. So though मैं समझता हूँ कि जो evolution है, जो विकास है, वो change is law of nature,
नेचर के हिसाब से जो स्पीड ऑफ चेंज है वो अगर चले तो उसमें नई नई स्पीसीज आती हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और कुछ स्पीसीज जो उस चेंज को सह नहीं पाती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो जो स्पीड है वो मेंटेन रहे, वो स्लो डाउन रहे, ताकि बहुत सारी स्पीसीज बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि बायोडायवर्सिटी से हम कई तरह से एसोसिएटेड हैं। अगर एक भी स्पीसीज आप जस्ट इमेजिन, अगर व्हीट या राइस में से कोई ख़त्म हो जाए तो खाएंगे क्या? तो ये जो उसको बायोडायवर्सिटी को बचाने वाली बात है, ये इस पॉइंट को हमें सोचना होगा। आज इसी के साथ आज की टॉक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल फिर हम बायोडायवर्सिटी के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।